Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सभी का testbook.com के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दिस इज ऋतुराज अवस्थी और दोपहर को बज गई है 12। तो अपना जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू वाला पोर्शन था, आज हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यू में चलने वाले हैं मध्य प्रदेश, राइट। मध्य प्रदेश चलने वाले हैं और हम डिस्कशन करने वाले हैं एमपीएसआई का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में, राइट। एमपीएसआई का जो प्रीवियस जो क्वेश्चन हुआ था क्वेश्चन पेपर, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सभी लोगों का स्वागत है, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आशुतोष, गुड आफ्टरनून मीत, मीतराज जी कैसे हैं आप सर? एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है ये, यस जस्सी। देखो जीके का जो पोर्शन है ना, जीके का पोर्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है चाहे कोई भी एग्जाम हो। हेलो गुड आफ्टरनून सूरज, राइट। कोई भी एग्जाम हो जीके का पोर्शन तो बदलता नहीं है ना, वो एज इट इज रहता है। इसलिए आप जो है इस पर्टिकुलर उसको हर जगह पर काम, मतलब मेन चीज क्या बढ़नी है आपकी, उससे मेन चीज उससे आपकी नॉलेज बढ़नी है, ठीक है। गुड आफ्टरनून सूरज, गुड आफ्टरनून अमित। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ एमपी वाली पोस्ट आने वाली है, रानी जय हरिवंश राधे, चलिए शुरू कराते हैं, ठीक है। तो शुरू कराते हैं, उससे पहले देखो क्योंकि पुलिस वाला है तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि जो टेस्ट बुक है, टेस्ट बुक ने लॉन्च किया है पुस्तक मेला। तो टेस्ट बुक का जो पुस्तक मेला है वो सुबह 11 बजे स्टार्ट होता है। 11 बजे अंजलि मैम जुड़ती हैं आपके साथ, जो है ना एसपी बक्सी इंग्लिश की बुक के साथ। मैं 1 बजे लुसेंट जीके की पुस्तक के साथ, किरण जीके की बुक पढ़ाते हैं आपको पंकज सर 5 बजे, और रीजनिंग की जो किरण है वो आपको अभिनव सर पढ़ाते हैं 8 PM, और किरण मैथ्स आपको 9 PM पढ़ाते हैं आकाश सर। और अभी अगर आप देखेंगे तो टेस्ट बुक जो है ना, टेस्ट बुक यहाँ पे 18 जून से 20 जून, राइट, यानी कल से लेकर के 20 जून तक जो है ना पराक्रम पुलिस संवाद जिसे कहा गया ये लॉन्च कर रहा है, जहाँ पे लाइव टॉक, सक्सेस स्टोरी, क्विज, स्कॉलरशिप टेस्ट सारा कुछ रहेगा। और आप सभी ने देखा होगा कि टेस्ट बुक ने अपने एप्लीकेशन पर इंट्रोड्यूस किया है स्टडी अ कंप्लीट लर्निंग कंटेंट लाइब्रेरी, स्ट्रक्चर्ड वीडियो लेसन्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्विजेस, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एवरीथिंग, राइट। और अभी जो है ना टेस्ट बुक की वेबसाइट में चल रहा है आपका पढ़ाई पैकेज सेल, ईयरली टेस्ट बुक पास मिल रहा है एट जस्ट ₹299। तो इस डील को भी आप ग्रैब कर सकते हैं जिन्होंने टेस्ट बुक का पास नहीं खरीदा है, राइट, उन सबके लिए है। और अगर आपको प्रॉब्लम है करेंट अफेयर में, सो डोंट वरी गाइस, योर सॉल्यूशन इज हियर। आई एम ब्रिंगिंग करेंट अफेयर लाइव कोचिंग फॉर एसएससी एंड रेलवे, और जो भी आपके स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह के एग्जाम होते हैं उन सब के लिए, राइट, जिसमें आपको 35+ लाइव क्लासेस मिलेंगी, 35+ प्रैक्टिस सेट्स, 1000+ क्वेश्चन, पीडीएफ नोट, और पूरे साल का करेंट अफेयर हम डिस्कशन करेंगे इसमें, राइट, पूरे साल का करेंट अफेयर हम डिस्कशन करेंगे। और अगर आप उस बैच को 200 से 300 के बीच में प्राइस होगा, अगर आप RA20 यूज करते हैं कूपन कोड, तो RA20 कूपन कोड यूज करने पर आपको 20% का ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजपूत चौहान जी कह रहे हैं वैकेंसी आने वाली है एमपी में, जी हाँ एमपीएसआई का जो नोटिफिकेशन है ये बहुत जल्द आपके सामने होगा, राइट, बहुत जल्द आपके सामने होगा। और अब तो सारे एग्जाम, मतलब गुड न्यूज आनी शुरू हो जाएगी, एग्जाम होने आपके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पेपर का आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन, आपसे यहाँ पर पूछा गया है विच रिलीजन हैज रिलीजन आर द बाघ केव रिलेटेड टू, बाघ गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, हिंदुजम, बोथ ए एंड बी, बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो यहां पर आप देखिए राइट आंसर क्या कहला जाएगा, ये आपका थर्ड वाला कहला जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है आपके 9 रॉक कट केव्स का, जो लोकेटेड कहां पर है, साउथ ऑफ जो विंध्यन माउंटेन है बाघ टाउन में, धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, ठीक है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। द लेदर टॉय ऑफ द जीआई टैग, कहां पे चमड़े को भौगोलिक संकेतक के तौर पर दिया गया है, तो आप सभी यहां पर जानते हैं टीकमगढ़, इंदौर, धार, दतिया, इसका सही उत्तर कहला जाएगा इंदौर को, ठीक है, इंदौर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है इंदौर।
और ये इकोनॉमिक कैपिटल कहलाता है एमपी का, और इसको मिनी बॉम्बे भी कहते हैं। तो लेदर टॉयज वगैरह, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, इंदौर मध्य प्रदेश में, ये आपका जीआई इंडिकेटर है, जीआई टैग है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, भारत में जो पहला फाइनेंस कमीशन था उसका चेयरमैन कौन है? ये आप सभी जानते हैं कि जो आर्टिकल नंबर 280, आर्टिकल नंबर 280 के तहत यहां पर जो है ना, आर्टिकल नंबर 280 के तहत 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है, और मिस्टर केसी नियोगी जो पहला फाइनेंस कमीशन जो बना था भारत का, उसके 1952 से लेकर के 57 तक, 52 से लेकर के 57 तक, तो केसी नियोगी यहां पर उसके अध्यक्ष थे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया संघ के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने, दादा भाई नरोजी, सी वाई मुदलियार, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर कहला जाएगा दादा भाई नरोजी। इनके द्वारा जो है ना फाउंड किया गया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को, कब फाउंड हुआ था? तो 1866, 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को फाउंड किया गया था दादा भाई नरोजी के द्वारा। व्हाट इज द करेंसी ऑफ ईरान, ईरान की मुद्रा क्या है? राइट, व्हाट इज द करेंसी ऑफ ईरान? रेनमिनबी, रियाल, रबल और दिनार। तो देखिए, वैसे तो अपन देखें तो जो चाइना की करेंसी, उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन बोलते हैं रेनमिनबी। राइट, चाइना की जो करेंसी है वो आपकी रेनमिनबी कहलाती है, बट ईरान की अगर आप देखोगे सो दैट इज कॉल्ड एज द रियाल। ठीक है, रियाल यहां पर क्या है, ईरान की करेंसी कहलाती है। और जो वन तोमन, ये आपका इक्विवेलेंट होता है 10 ट्रायल्स के, ऑल्दो जो रियाल है ये आपका ऑफिशियल करेंसी है ईरान की। ठीक है, और ईरान अगर आप देखो तो ईरान को क्या बोलते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहा जाता है। राइट, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहा जाता है, और वर्तमान में वहां के प्रेसिडेंट जो है हसन रूहानी है, कैपिटल तेहरान आ जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसको फारसी कहते हैं या पर्शियन कहते हैं। राइट, और ऑफिशियल रिलीजन वहां का है इस्लाम। ठीक है, दैट इज अ इस्लामिक नेशन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कांच मंदिर इज फेमस टूरिस्ट प्लेस है। जो कांच मंदिर है ये एक फेमस टूरिस्ट प्लेस कहां पर है? तो पूरे तरीके से ग्लास से बना हुआ है, जैन मंदिर है, और श्री सेठ हेकुमचंद जो है ना, हेकुमचंद जैन, इनके द्वारा जो इस पर्टिकुलर टेम्पल को बनाया गया था, ये सिचुएटेड है आपका इंदौर में। राइट, इंदौर में यहां पर जो है ना ये आपका सिचुएटेड है। आगे देखिए, रानी दुर्गावती वॉज अ प्रिंसेस, रानी दुर्गावती राजकुमारी थी। रानी दुर्गावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो आप सभी ने देखा होगा कि ये चंदेला से बिलोंग करती थी, रानी दुर्गावती चंदेल प्रिंसेस थी। और जो चंदेल प्रिंसेस थी तो रानी दुर्गावती ये जो कीरत राय थे, कीरत राय की डॉटर थी, और इनकी जो शादी हुई थी दलपत शाह से हुई थी, जो सबसे बड़े बेटे थे गोंडवाना किंग संग्राम शाह के। राइट, और दलपत शाह की जब मौत होती है 1550 में, तो वो खुद गोंडवाना की रानी बन गई थी 1550 से लेकर के 1564 के बीच में। दुर्गावती ने मूव किया था अपना जो कैपिटल था गोंडवाना, कहाँ से, जिसको सिंहगढ़ फोर्ट कहा गया, सिंहगढ़ से लेकर के चौरागढ़। ठीक है, और इनका जो मौत हुआ था, मतलब इन्होंने खुद को मार लिया था जब बैटल फील्ड हुई थी 1564 में, और इसलिए जो है ना 24 जून 1564 को एक तरीके से जो है ना बलिदान दिवस के तौर पर मनाया जाता है रानी दुर्गावती। आगे देखिए, हाउ मेनी डेज डज द फेयर ऑफ बर्मन गो ऑन फॉर, बर्मान का मेला कितने दिनों तक चलता है? बर्मान मेला आप देखिए तो मंडी बोर्ड जो है ना नर्मदा नदी के किनारे बर्मान शहर है, ये भारत के मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में आता है, और नरसिंहपुर जिले में आता है। हर साल जनवरी में रेत घाट में बरमान मेला का आयोजन किया जाता है, और ये लगभग 13 दिनों तक चलता है। राइट, कितने दिन तक चलता है? 13 दिनों तक। यहाँ पे दो मुख्य घाट उपस्थित है बरमान में, जो एक पवित्र स्थान है, एक जिसको कहा जाता है ब्राह्मण घाट, दूसरा इसको कहा जाता है रेत घाट। ठीक है, तो यहाँ पे नर्मदा और वारही जो नदियां हैं, इन दोनों के बीच में आपका बरमान आ जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी ऑफिशियल रीजनल ऑफिसेस ऑफ द मंडी बोर्ड आर देयर इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कितने रीजनल ऑफिसेस हैं? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 7। ठीक है, जब अपन एमपी की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 7 रीजनल ऑफिसेस हैं, मंडी बोर्ड है।
राइट, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर और रीवा, ये चार जगह पर मंडी बोर्ड आ जाते हैं मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी डिविजन आर देयर इन द मध्य प्रदेश एज पर द सेंसस 2011, 2011 सेंसस के रिगार्डिंग मध्य प्रदेश का कितने उसमें डिवीजन किया गया है। तो यहाँ पे टोटल 10 डिवीजन है मध्य प्रदेश में। 10 डिवीजन कौन कौन से हैं? भोपाल डिवीजन, जिसमें भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा का है। ग्वालियर में अशोकनगर, शिवपुर, दतिया, गुना, ग्वालियर। फिर नर्मदापुरम डिवीजन में हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, चंबल में मुरैना, श्योपुर, भिंड। इंदौर में आपका बड़वानी, बुरहानपुर, धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर। जबलपुर डिवीजन में बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी। रीवा में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। सागर में आता है छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, टीकमगढ़। शहडोल डिवीजन में शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर। और फिर लास्ट है, दैट इज कॉल्ड एज द उज्जैन डिवीजन, जिसमें आपके देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर और उज्जैन आ जाते हैं। ये टोटल 10 डिवीजन है मध्य प्रदेश के एज पर द सेंसस 2011। हु इज द करेंट स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश विधानसभा? मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है इसके वर्तमान में स्पीकर कौन है? राइट, वर्तमान में स्पीकर कौन है? इसका सही उत्तर अगर आप देखेंगे तो राइट आंसर कहला जाएंगे डॉक्टर सीतारण शर्मा जी। डॉक्टर सीतारण शर्मा मध्य प्रदेश की विधानसभा के वर्तमान में स्पीकर हैं। राइट, अच्छा, डॉक्टर सीतारण शर्मा जो है ना, ये आपके 13th असेंबली जो 2014 से 19 तक रही उसके स्पीकर थे, है ना, उसके स्पीकर थे। और अगर आप यहाँ पर देखिए तो मध्य प्रदेश जो है ना, ये एक यूनिकैमरल है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बहुत बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर पेपर अपन सॉल्व कर रहे हैं ये पेपर MPSI का है, लेकिन MPSI का पेपर ये कब का है? राइट, कब का पेपर है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखो इस पर्टिकुलर उसमें कि जो ये आपका पेपर है तो ये 26 अक्टूबर 2017 का पेपर है। राइट, 26 अक्टूबर 2017 का पेपर है जो अभी अपन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो चीजें हैं ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई थी, इनको अभी क्या करना है आपको, अभी आपको इनको वापस से अपडेट कर लेना है सारे, क्योंकि ये जो ऑफिशियल्स वगैरह होते हैं ये बदलते रहते हैं। हु इज नोन एज द फर्स्ट मराठा सूबेदार ऑफ मालवा? मालवा के पहले मराठा सूबेदार के तौर पर किसे जाना जाता है? राइट, मराठा के जो है ना पहले सूबेदार के तौर पर किसको जाना जाता है? मराठा के जो सूबेदार हैं ये आपको बताना है। राइट, मालवा में जो मराठा के सूबेदार रहे हैं तो ये आपको बताना है। तो अभी आपको एक चीज अपडेट कर लेनी है, जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था ना, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे डॉक्टर सीतारण शर्मा थे तो ये कब तक रहे हैं? डॉक्टर सीतारण शर्मा ये आपके रहे हैं 2014 से लेकर के 2019 तक। एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में आ जाते हैं मिस्टर गिरीश गौतम। ठीक है, गिरीश गौतम ये बीजेपी से हैं और चूंकि बीजेपी की सरकार है तो अभी यहां पर विधानसभा के स्पीकर है मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है कि मालवा में जो है ना, तो मालवा में कौन थे यहां पर मराठाओं के सूबेदार? तो इसका सही उत्तर रह जाएगा मल्हार राव होलकर। ठीक है, मल्हार राव होलकर, मालवा यानी कि जो आपका इंदौर वाला रीजन है ये मालवा कहला जाएगा। 1693 से 1766 तक मल्हार राव होलकर रहे हैं और इन्हीं को नोबेल माना जाता था मराठा अंपायर का। ये फर्स्ट होलकर प्रिंस थे जिन्होंने इंदौर स्टेट पर रूल किया था। राइट, और इसलिए इनको मराठा सूबेदार ऑफ मालवा के नाम से भी जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन वॉज क्रिएटेड बाय स्प्लिटिंग द भोपाल डिवीजन इन द ईयर 2008? राइट, 2008 में जो भोपाल डिवीजन को डिवाइड करके कौन सा डिवीजन बनाया गया था? तो आप सभी को पता है 27 अगस्त 2008 की बात है। 27 अगस्त 2008 को भोपाल को बांट करके बनाया था नर्मदापुरम। राइट, यहां पर क्या बना था? नर्मदापुरम बना था, नर्मदापुरम डिवीजन को बनाया गया था। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बुद्धाज लाइफ सिंबलाइज्ड बाय अ हॉर्स? घोड़ा।
घोड़े से उसमें आप देखिए तो कौन सा पर्टिकुलर सिंबलाइज किया जाता है, तो आप सभी जानते हैं गौतम बुद्ध की जो लाइफ थी उसमें ग्रेट इवेंट जो है ना ये आपके बहुत सिंबल से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो यहाँ पे जो है ना रेनन्सेंस, रेनन्सेंस जिसको अपन क्या बोलते हैं त्याग, त्याग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, त्याग को रिप्रेजेंट करते हैं हॉर्स से। जैसे जन्म है तो जन्म में आपका लोटस और बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण जिसको आपका रेनन्सिएशन कहा गया या आपका हॉर्स आ जाता है, निर्वाण या जिसको संबोधि कहा गया दैट इज एनलाइटनमेंट उसमें बोधि ट्री कहा गया, धम्म चक्र प्रवर्तन जिसको आपका फर्स्ट सेरेमन कहा गया तो दैट इज कॉल्ड एज द सिंबल्स ऑफ भील, और महापरिनिर्वाण यानी कि जो डेथ है तो उसमें सिंबल्स क्या आ जाते हैं आपके स्तूप आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए पूछा गया है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द पंचायत दिवस इन इंडिया, भारत में किस दिन को पंचायत दिवस के तौर पर पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि पंचायत दिवस जिसे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस के तौर पर भी जाना जाता है साल 2010 से हर साल 24 अप्रैल जो है 24 अप्रैल को यहाँ पे मनाया जाता है पंचायत दिवस। शंकर दयाल शर्मा वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ भोपाल फ्रॉम, जो शंकर दयाल शर्मा जी हैं ये भोपाल के चीफ मिनिस्टर रहे हैं 1952 से लेकर के 56 के बीच में, राइट ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं भोपाल के, और भोपाल जो है ना तो भोपाल में ही ये रहे शंकर दयाल शर्मा जी, राइट। और शंकर दयाल शर्मा जी भोपाल मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, राइट, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, ये उस समय पे जो है ना मध्य प्रदेश की बजाय क्या हुआ करता था, भोपाल स्टेट हुआ करता था। ठीक है, और इसके बाद अगर आप देखो तो ये भारत के 9th प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ये भारत के 9th राष्ट्रपति भी रहे हैं। आगे देखिए वेयर वॉज द मध्य प्रदेश फर्स्ट बायोमिथाइन प्लांट रिसेंटली इनॉग्रेटेड, हाल ही में मध्य प्रदेश में पहला बायो मिथेनसन प्लांट कहां पे इनॉग्रेट किया गया है, राइट। तो आप इसका जब सही उत्तर देखेंगे बायोमिथेनसन प्लांट जो मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट हुआ तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। इन विच ईयर वॉज द मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम स्टैब्लिश्ड, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को किस पर्टिकुलर साल में स्टैब्लिश्ड किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1982, राइट। जो एमपी ऊर्जा विकास निगम है ये गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने 1982 में स्टेबल किया था, ये वर्क करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है, मध्य प्रदेश शासन। इन विच ईयर वॉज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ बैतूल शिफ्टेड फ्रॉम बैतूल बाजार टू बानदुर, सॉरी बदनौर, बैतूल का जिला मुख्यालय किस वर्ष बैतूल बाजार से बदनौर हस्तांतरित कर दिया गया था, राइट, स्थानांतरित कर दिया गया था। तो देखो जब बदनूर स्थानांतरण की बात करते हैं सो 1822 1822 की बात है, और 1822 में जब भारत में मराठा काल के दौरान मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन की शुरुआत में बैतूल या बैतूल बाजार हुआ करता था बैतूल जिले का मुख्यालय, लेकिन 1822 में ये मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर स्थानांतरित कर दिया था, बदनूर को बदनूर धना के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए पूछा गया आपसे इन विच ईयर वॉज द कुमार गंधर्व अवार्ड फाउंडेड, तो कुमार गंधर्व अवार्ड की स्थापना किस समय की गई थी, 1992-93, राइट, 1992-93 में जो है ना गंधर्व पुरस्कार की स्थापना की गई थी। आगे देखिए इन विच ईयर डिड मध्य प्रदेश डिक्लेयर द मलखम्ब एज इट स्टेट स्पोर्ट, मलखम्ब जो है मलखम्ब को मध्य प्रदेश के द्वारा अपना स्टेट स्पोर्ट कब अनाउंस किया गया था, तो शिवराज सिंह की चौहान की जो है ना सरकार थी साल 2013, राइट, जिनको कंस मामा कहते हैं, तो 9 अप्रैल 2013 को मध्य प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट उसने डिसाइड किया था मलखम्ब को एज द स्टेट स्पोर्ट, ठीक है, मलखम्ब को एज द स्टेट स्पोर्ट इलेक्ट किया था। द बुक अबाउट द इंडियन साइंस किताब फी तहकीब वॉज रिटन बाई, भारतीय विज्ञान के बारे में किताब तहकीब पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, अलबरूनी, मिन्हाज हमसिराज, जियाउद्दीन बरनी और फिरोज शाह, राइट, किसके द्वारा की गई थी। इसका सही उत्तर आप देखें तो राइट आंसर कहला जाएगा अलबरूनी, ये वही अलबरूनी है, राइट, ये ईरान से आया था, इसका पूरा नाम था अबू रियान अल बिरूनी, ठीक है, और ये जो महमूद ऑफ गजनी था सुल्तान तो उसकी वॉर ट्रेन में आया था 1017 में, इसने तारीख हिंद नामक पुस्तक को भी लिखा था। After the formation of छत्तीसगढ़ state from मध्य प्रदेश, the major portion of the basin is now in छत्तीसगढ़,
मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद द्रोणी का मुख्य भाग अब छत्तीसगढ़ में पहुंच चुका है, तो आप सभी जानते हैं महानदी, राइट। महानदी के बारे में आप सभी जानते हैं, ये पहले मध्य प्रदेश में हुआ करती थी, जब छत्तीसगढ़ बन गया तो 25 अगस्त 2000 को भारत के राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 पर अपनी सहमति दी थी, और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के 16 जिलों को लेकर के अलग हो गया था, और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लगभग 27 जिले हैं। विच स्टाइल ऑफ सिंगिंग कंप्राइजेस द सॉन्ग दैट हैव बीन कंपोज बाय सेंट लाइक सिंगाजी कबीर मीना। गायन की किस शैली में गीत शामिल हैं जो संतों जैसे सिंगाजी कबीर मीरा आदि द्वारा रचे गए हैं? निर्गुणी, सांझा, कलिजितुर और रासलीला। तो यहाँ पे आप देखो जो निर्गुणी है ना, निर्गुणी जिसको कहा गया, निर्गुणी वो यहाँ पे एक फोल्क ट्रेडिशन सॉन्ग है। स्पेशली जो कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल होते हैं ना, इनको स्टोरीज वगैरह को नरेट करता है। निमाड़ रीजन में ये पर्टिकुलर फेस्टिवल सबसे ज्यादा माना जाता है। निर्गुणी स्टाइल जो है ना, ये आपका सिंगाजी कबीर मीरा दादू ये सब जो है ना, इन्होंने आपका निर्गुणी स्टाइल में ही कंपोज किया है, निर्गुणी स्टाइल में ही इन्होंने अपने गीत लिखे हैं। विच स्टेट हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द दामोदर वैली प्रोजेक्ट? दामोदर वैली प्रोजेक्ट यानी कि आप सभी जानते हैं कि जो है ना, मतलब फ्लड कंट्रोल पूरे के पूरे झारखंड और वेस्ट बंगाल में होता है, राइट। झारखंड और वेस्ट बंगाल में फ्लड कंट्रोल होता है। फ्लड कंट्रोल क्योंकि दामोदर नदी को सौरव बंगाल भी कहा जाता था, सौरव ऑफ बंगाल भी कहा जाता था, राइट। क्योंकि इसमें जब भी बाढ़ आती थी तब बहुत नुकसान होता था, और जब दामोदर वैली प्रोजेक्ट लॉन्च होता है ना, तो यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी का प्लांट बना दिया गया, बहुत सारे डैम बना दिए गए, तो अब ये पश्चिम बंगाल के लिए वरदान साबित हो गई है। आगे देखिए, हीमोफीलिया अ ह्यूमन डिजीज इज कॉज्ड बाय, जो हीमोफीलिया एक मानव रोग है ये किसके कारण होता है? हीमोफीलिया एक मानव रोग है ये किसके कारण होता है? तो आप सभी जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द म्यूटेंट जीन, राइट। म्यूटेंट जीन यानी कि जो आपके उत्परिवर्ती जीन होते हैं इनसे रिलेटेड है। हीमोफीलिया जो है ना एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिसमें आप देखो ब्लड जो है ना क्लॉट नहीं होता प्रॉपरली, राइट। ब्लड आपका क्लॉट नहीं होता प्रॉपरली और ब्लड जो है ना फ्लो होते रहता है, वो आपका कहला जाता है। कोलेस्ट्रॉल इज अ, कोलेस्ट्रॉल क्या है, राइट। कोलेस्ट्रॉल एक क्या है? क्लोरोफिल का प्रकार, राइट। फैटी एसिड अल्कोहल फाउंड इन द एनिमल फैट डेरिवेटिव ऑफ क्लोरोफॉर्म और क्रोमियम सॉल्ट। तो इसका अगर आप सही उत्तर देखोगे, कोलेस्ट्रॉल जो है ना, सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द फैटी अल्कोहल फाउंड इन द एनिमल फैट। ये आपका फैटी अल्कोहल है जो एनिमल के फैट में पाया जाता है। अ जीएम काउंटर इज बेस्ड यूज फॉर डिटेक्टिंग, जो जीएम काउंटर, जीएम काउंटर का मतलब होता है गाइगर मूलर गणित्र। गाइगर मूलर गणित्र को जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी यानी कि जो रेडियो धर्मिता है, इसका पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। इन अ बैरोमीटर मरकरी इज प्रेफर्ड ओवर वाटर बिकॉज, बैरोमीटर में पारे के पानी के मुकाबले प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि मरकरी इज अवेलेबल इन द प्योर फॉर्म। मरकरी इज हैज हाई डेंसिटी एंड लो वेपर प्रेशर। मरकरी इज शाइनिंग एंड देयरफॉर इट्स लेवल कैन बी रीड इजली। मरकरी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो देखो मरकरी के बारे में जब आप सभी जानते हैं कि मरकरी जो है ना, मरकरी में हाई डेंसिटी होती है और लो वेपर प्रेशर यहां पर होता है, राइट। हाई डेंसिटी एंड लो वेपर प्रेशर के कारण जो है ना, इसको प्रेफर करा जाता है ओवर वाटर, राइट। मरकरी को बैरोमीटर में प्रेफर करा जाता है। अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ सी इज कॉल्ड, समुद्र वगैरह जो होते हैं, समुद्र वगैरह की डेप्थ को मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर डिवाइस रिक्वायर होती है, इस डिवाइस को क्या कहा जाता है? सो दिस इज व्हाट बी कॉल्ड एज द फैथोमीटर। इसको हम क्या बोलते हैं? फैथोमीटर कहते हैं। फैथोमीटर एक एक्टिव सोनार डिवाइस है, यूज होती है नेविगेशन के लिए, सेफ्टी के लिए, और ये डिटरमाइन करता है जो डेप्थ ऑफ द वॉटर है उसको, राइट। और इसमें जो आपका इको साउंडिंग सिस्टम वगैरह भी यहां पर पाया जाता है। आगे देखिए, पूछा गया है आपसे विच लिक्विड इज यूज्ड एज द रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में प्रशीतक के रूप में किस तरल का उपयोग करा जाता है, प्रशीतक के तौर पे या रेफ्रिजरेंट के तौर पर किसका उपयोग करा जाता है? सो दैट इज कॉल्ड एज अमोनिया, राइट। अमोनिया को फ्रिज में यूज किया जाता है एक प्रशीतक के तौर पर। अमोनिया एक एल्कलाइन केमिकल होता है जो कंपोज होता है,
और रिकॉग्नाइज होता है आपके जो बेसिक हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट वगैरह होते हैं उसमें, ठीक है। और जो रेफ्रिजरेंट है ये यूज किया जाता है काफी लंबे समय तक, राइट, जो वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन, चूंकि इसकी थर्मल एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। अमंग द फॉलोइंग कोलोनियल इंसेक्ट्स आर, निम्नलिखित में से औपनिवेशिक कीड़े हैं, औपनिवेशिक कीड़े कौन से कहलाते हैं, तो आप सभी यहां पर जानते हैं दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज आंट, चीटियां जिनको कहते हैं, राइट, चीटियां जिनको कहा जाता है। तो जो आंट है ना, आंट आर द सोशल इंसेक्ट बिकॉज दे लिव इन द, आप देखो चीटियां एक साथ कितने सारे झुंड में होती है, राइट, जो चीटियां होती हैं एक साथ कितने सारे झुंड में होती हैं, है ना, बहुत सारे झुंड के झुंड चीटियों के पाए जाते हैं। आगे देखिए पूछा गया है मॉर्फिन इज अ ड्रग अंडर द क्लासिफिकेशन, मॉर्फिन नामक जो ड्रग है वो किस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में आता है, ठीक है, ये लो बना दिए चीटियां से दोस्त। तो जब आप मॉर्फिन की बात करोगे ना, तो मॉर्फिन नामक जो ड्रग है इसको आपका नार्कोटिक्स, राइट, नार्कोटिक्स यानी कि निद्राजनक औषधि के तौर पर इसको उपयोग किया जाता है मॉर्फिन को। और अगर आप मॉर्फिन नामक ड्रग को देखो तो ये पेन मेडिकेशन होता है, यानी जिसको अपन बोले पेन किलर, ये कहला जाता है मॉर्फिन। आगे पूछा गया है आपसे व्हाट इज प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंग क्या है, तो कलर ऑफ द रेनबो, कलर फाउंड इन द नेचर, कलर इन द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, कलर दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाई मिक्सिंग अदर कलर। तो जो प्राइमरी कलर की आप बात करो, ऐसे कलर्स होते हैं जिनका उत्पादन अन्य रंगों को मिलाकर के नहीं किया जाता, राइट। और जो प्राइमरी कलर होते हैं वो मेजरली कौन कौन से होते हैं, तो आर जी बी, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये आपके जो है ना प्राइमरी कलर कहलाते हैं। आगे देखिए पूछा गया है अ फुटबॉल बूम्स व्हेन इट फॉल ऑन द ग्राउंड बिकॉज, एक फुटबॉल उछलती है जब जमीन पर गिरती है क्यों, फुटबॉल को अगर अपन फेंकते हैं तो वो आपका के जमीन पे गिरती है फिर से ऊपर की उठती है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है ना इसमें क्या होती है, इलास्टिसिटी, राइट, इसकी जो लोच होती है, लोच के गुण के कारण ये एक बार जमीन पे गिरती है फिर ये वापस से ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है, लोच के कारण। चिल्ड्रन स्पेशली इन द वेस्टर्न कंट्रीज हु रिसीव वेरी लिटिल सनशाइन सफर फ्रॉम विच डिजीज, बच्चे विशेष रूप से पश्चिमी देशों में जो बहुत कम धूप प्राप्त करते हैं वो किससे पीड़ित होते हैं, पश्चिमी देशों में आप देखिए ज्यादातर सर्दी ही रहती है तो उनको कौन सी बीमारी होती है, दैट इज कॉल्ड एज रिकेट्स, रिकेट्स नाम की बीमारी से ये लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं। रिकेट्स का मतलब क्या होता है, दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज द सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, राइट, ये आपका रिकेट्स कहलाता है। और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। आगे देखिए द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द मोस्ट डाइट ऑफ वेजिटेशन इज मेड अप ऑफ, शाकाहारियों के अधिकांश आहारों का सबसे बड़ा हिस्सा किससे बना होता है, राइट, किससे बना होता है, तो जब आप यहां पर देखोगे तो राइट आंसर क्या कहला जाएगा, शाकाहारियों का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है ये आपका कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा बना होता है, शाकाहार घास फूस खाने वाला जिनको कहा जाता है, तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है मोस्ट ऑफ द जो इनकी डाइट होती है या का वेजिटेरियन होती है, राइट, जो किससे मिलकर के बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बनी होती है। आगे देखिए पूछा गया है अ ट्रू फ्रूट डेवलप फ्रॉम द, एक सच्चा फल किससे विकसित होता है, राइट, कार्पल, ओव्यूल, एंथर और ओवरी, किससे विकसित होता है, तो आप सभी जानते हैं दैट इज कॉल्ड एज ओवरी, राइट, ओवरी जिसको अंडाशय कहा जाता है, राइट, तो जो आपके मतलब एक ट्रू फ्रूट होते हैं ना ये आपके कहां से जनरेट होते हैं, ओवरी से जनरेट होते हैं, राइट, पिस्टल का बढ़ा हुआ जो मूल भाग है यही कहलाता है। और ओवरी अगर आप देखो तो एक फीमेल जो है ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेव इज डिटरमाइंड बाय इट्स, जो साउंड की लाउडनेस होती है उसको किसके द्वारा डिटरमाइन करा जाता है,
तो आप सभी जानते हैं कि जो साउंड की लाउडनेस है और जो सॉफ्टनेस है उसको इसके एम्पलीट्यूड से डिफाइन करा जाता है। एम्पलीट्यूड होता क्या है, तो जस्ट लाइक दिस इज वेव राइट, तो जो सबसे हाइजेस्ट वाला पोर्शन होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड, ये आपका एम्पलीट्यूड कहला जाता है। आगे देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग इज यूज टू फाइंड द एज ऑफ, रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग आयु पता लगाने के लिए किया जाता है राइट, किसकी आयु पता लगाने के लिए किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग का, सो आप सभी जानते हैं दैट इज कॉल्ड एज फॉसिल्स, जिसको हम जीवाश्म कहते हैं राइट, जीवाश्म का बारे में पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग करा जाता है। मतलब एक तरीके से आप देखो तो जो एज ऑफ फॉसिल्स, एज ऑफ फॉसिल्स राइट, जीवाश्म की एज पता करने के लिए, ड्यूरिंग समर वी फील कंफर्टेबल इन द अंडर अ फैन बिकॉज इट, समर में जब गर्मियां होती हैं तो देखो पंखा चला करके बैठते हैं ना, तो पंखा चला करके क्यों बैठते हैं, बिकॉज ये सेट करता है एयर को मोशन में, देयर बाई यहां से जो इंक्रीज क्या हो जाता है, एवोपरेशन ऑफ स्वेट राइट, स्वेट का एवोपरेशन, इसलिए हमको जो है ना पंखे के नीचे अच्छा लगता है राइट, पंखे के नीचे अच्छा लगता है। द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज, गोल्ड की प्योरिटी कितनी होती है, मतलब प्योर गोल्ड अगर आप देखो तो ये लगभग कितना होता है 24 कैरेट, 24 कैरेट का गोल्ड जो होता है ना ये आपका बिल्कुल प्योर होता है राइट। लोअर कैरेट का मतलब क्या होता है, लेस गोल्ड, जैसे अगर आप देखो सेवरल जो वेरिएशन होते हैं ये अवेलेबल होते हैं राइट, किसमें अवेलेबल होते हैं आप, जैसे 18 कैरेट में 75% गोल्ड होता है राइट, रेस्ट 25% में आपके क्या आ जाते हैं, अदर मेटल्स आ जाते हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया ठीक है। तो ये कैरेट जो है ना ये मीजर करने के लिए किसके उपयोग करा जाता है, गोल्ड के। आगे देखिए, पूछा गया है आपसे द सब्सटेंस कोटेड ऑन प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर टेप इज, प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर में टेपों को लेपित पदार्थ कौन सा होता है, सो दिस इज व्हाट बी कॉल्ड एज द आयरन ऑक्साइड राइट। इसमें हम क्या लेप करते हैं, इसमें जो है ना फॉर्मेशन होता है टेप रिकॉर्डर का, तो इसमें रिकॉर्ड होता है जो स्ट्रिप होती है प्लास्टिक टेप की, यूजुअली ये आपका किससे मिलकर के बनी होती है, पॉलिएस्टर से मिलकर के बनी होती है राइट, पॉलिएस्टर से मिलकर के बनी होती है। आगे देखिए, अगला यहां पर पूछा गया, द सब्सटेंस दैट कंटेन द एलिमेंट ऑक्सीजन इज, वह पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन तत्व होता है राइट, ऑक्सीजन तत्व होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वॉटर कहते हैं, पानी, जल कहा जाता है राइट, जिसमें आपका जो है ना ऑक्सीजन को पाया जाता है वो क्या कहलाता है, जल। अब आगे देखिए, यहां पर आपसे पूछा गया है अगला क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस प्रोसीड थ्रू द राइट, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाट बी कॉल्ड एज द फिलोपियन ट्यूब राइट, फिलोपियन ट्यूब, इसको डिंबवाही नलिका कहा जाता है। इन द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235 देयर आर, जो यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस होता है उसमें आपके कितने क्या होते हैं, तो टोटल नंबर 235 प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं राइट, 235 आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं राइट, जो न्यूक्लियस होता है यूरेनियम 235 का, इसमें आपके 92 प्रोटॉन होते हैं है ना, 92 प्रोटॉन होते हैं और 92 प्रोटॉन के साथ साथ इसमें 143 न्यूट्रॉन होते हैं, 143 यहां पर न्यूट्रॉन होते हैं ठीक है। जब इनका सम करोगे 235। आगे देखिए, राइबोफ्लेविन इज एन, राइबोफ्लेविन एक है, अब देखो यहां पे साइंटिफिक नेम दिया गया है, साइंटिफिक नेम दिया गया है किसका, विटामिन B2 का राइट, B2 का साइंटिफिक नेम दिया गया है, B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, तो ये क्या कहला जाएगा आपका, विटामिन कहला जाएगा। अ फिश दैट इज डिवाइडेड ऑफ एनी स्केल इज, एक मछली जो किसी स्केल से रहित है उसे अपन क्या बोलते हैं, तो देखो स्केल से रहते मतलब इनमें स्काल्प नहीं पाए जाते हैं, तो आप कैटफिश के बारे में जानते हैं राइट, कैटफिश में जो है ना स्काल्प नहीं होते, जैसे आप सभी जानते हैं मछली जल की रानी है ना, तो इस मछली में आपके क्या पाए जाते हैं, मछली में स्काल्प पाए जाते हैं, कुछ इस तरीके से स्काल्प होते हैं मछलियों में राइट, इस तरीके से जो कैटल फिश होता है ना, इस कैटल फिश में स्काल्प वगैरह नहीं पाए जाते राइट। ठीक है,
आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अ पावरफुल आई इन इरिटेंट रिप्रेजेंट इन स्मॉग इज, स्मॉग में एक शक्तिशाली आंख उत्तेजक मौजूद होता है, राइट, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज वॉट बी कॉल्ड एज द पेरोक्सीसेटाइल नाइट्रेट। जो पावरफुल आई इरिटेंट होता है ना स्मॉग में, उसमें पेरोक्सीसेटाइल नाइट्रेट पाया जाता है, और जो यहां पर क्या प्रेजेंट होता है आपका, आंख उत्तेजक के तौर पे मौजूद होता है। ठीक है, फिर आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, द मेडिसिन फॉर टाइफाइड इज, टाइफाइड के लिए जो मेडिसिन है, राइट, टाइफाइड के लिए जो मेडिसिन है वो कौन सी उपयोग करी जाती है? सो दैट इज कॉल्ड एज द टैब, राइट। जो टैब वैक्सीन होती है ये प्रिवेंट करती है टाइफाइड को, टैब वैक्सीन जो कंबाइन होती है आपका इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करती है टाइफाइड डिजीज के अगेंस्ट, राइट, चाहे आपका पैराटाइफाइड ए हो या पैराटाइफाइड बी हो, तो यहाँ पे जो है ना आपका टैब को यूज करा जाता है, राइट। सो गाइज दिस इज फॉर द डे, अभी की क्लास में इतना ही, जाइएगा कहीं मत, 1 बजे 1 PM आज 1 PM हम जानेंगे आखिर हाउ ब्रिटिश कॉन्कर इंडिया, अंग्रेजों के द्वारा जो है ना इंडिया को कैसे कॉन्कर कर लिया गया, कैसे ब्रिटिश पावर का इंडिया में जो है ना एक्सपांशन हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे, राइट, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अभी की क्लास में इतना ही, आई होप सभी ने अपना अटेंडेंस मार्क किया होगा, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपन मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।